एक दिन की राहत के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर इजाफा देखने को मिला है। वहीं राजधानी में आज एक लीटर पेट्रोल का दाम 95.3 रुपए और डीजल का दाम 85.95 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह करीब 6:21 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.5 मापी गई है। इसकी जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी है। यूपी में जहरीली शराब से दर्जनों लोगों की मौत के बाद मथुरा पुलिस ने नकली शराब रैकेट में शामिल 8 लोगों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इनके कब्जे से 60,000 लीटर नकली शराब और लगभग 4 करोड़ रुपए के 2 टैंकर जब्त किए गए। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। भारत में पिछले 2 महीनों में सबसे कम मामले सामने आए हैं। वहीं देश में बीते 24 घंटों में 1,14,000 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, जबकि 2,677 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के आयात को ब्राजील में मंजूरी मिल गई है। वहीं ब्राजील सरकार द्वारा शुरुआत में 40,00,000 डोज के आयात को सशर्त मंजूरी दी गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक देश में कल कोरोना वायरस के लिए 20,36,311 सैंपल टेस्ट किए गए। वहीं कल तक कुल 36,47,46,522 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की कोठी के समक्ष गांव बादल जिला श्री मुक्तसर साहिब में पंजाब रोडवेज पनवस कर्मचारियों और पेप्सू रोडवेज के कर्मचारियों की तरफ से रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाबियों की अधिक जनसंख्या वाले टेरा लेक नॉर्थ ईस्ट कैलगरी इलाके में सुबह घर से सैर करने गई महिला का शव मिलने का समाचार मिला है। मृतका की पहचान हरवंश कौर सिद्धू के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर अगली कार्यवाही शुरू कर दी है। कोरोना महामारी के दौर में अमेरिकी विश्वविद्यालयों की कोरोना टीकाकरण नीति ने भारत समेत विदेशी छात्रों को परेशानी में डाल दिया है। भारत में कोवैक्सीन या स्पुतनिक वी टीका लगवा चुके भारतीय छात्रों को अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने फिर से टीका लगवाने के लिए कहा है। देश दुनिया दी ताजा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज अजीत न्यूज ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर के उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम के उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।